Good morning, dear student. In previous period, already learned about the structure, cell structure and organization. In previous period, already learned about the basic information about the cell. हमने last time यहाँ पे basic information जो है cell की वो हमने observe की. Then we will discuss next topic, that is kind of cell. In earlier, already learned about the introductory part of cell. Then cell theory. Then postulate of cell theory. Then उसके बाद अब next part, उसके बाद का part होता है kind of cell. There are different types of cells. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अलग अलग types के cells हमें observe होते हैं. अब यहाँ पे अगर देखते हैं cell is nothing but the basic structural and functional unit of life. Cell को क्या मानते हैं? Basic structural and functional unit of life. मतलब अगर सेल को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बराबर. देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. अब यहाँ पे आपकी किताब में दो टाइप दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक वे से अगर देखते हैं तो सेल के तीन टाइप्स होते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखते हैं सेल का तो यहाँ पे अलग अलग वे से उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल को तीन टाइप से डिवाइड किया. फर्स्ट प्रोकैरियोट, सेकंड यूकैरियोट, मतलब फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल है, सेकंड मेसोकैरियोट. यहाँ पे मेसोकैरियोट ये आपकी किताब में मेंशन नहीं है. मतलब मेसोकैरियोट आपकी किताब में मेंशन है क्या? नहीं है. क्यों मेंशन नहीं है? यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसी वजह से आपकी किताब में नहीं है. लेकिन आपको यहाँ पे मेसोकैरियोट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीट. नीट के एग्जाम के हिसाब से मेसोकैरियोट क्या है वो भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेप वाइज देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक. जो आपकी किताब में मेंशन है स्टेट बोर्ड सिलेबस के हिसाब से जो मेंशन है वो हम देखने वाले. फर्स्ट यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट. अब प्रोकैरियोट अगर है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मतलब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. अब प्रो मींस इसका मीनिंग देखो. प्रो मींस क्या होता है? प्रीमिटिव. दैट प्रो मींस क्या होता है? प्रीमिटिव. कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस. कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस. क्या होगा? कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस. प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस. प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब जिस सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस सेल को बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स. देन सेकंड यू मींस दैट यू मींस क्या होगा? एडवांस, हाईली डेवलप, एडवांस टाइप. कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस. अब यहां पे बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक मींस, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस. बराबर. प्रिमिटिव जिस सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा उसे बोलते हैं हम प्रोकैरियोट, और जिस सेल के अंदर एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा उसे बोलेंगे हम यूकैरियोट. ये बेसिक दो टाइप. अब यहां पे न्यूक्लियस की पोजीशन के हिसाब से वेदर इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हम एडवांस. जहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप. बराबर. जहां पे न्यूक्लियस नहीं है वहां पे क्या बोलेंगे हम? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. बराबर. प्रोकैरियोट यहां पे बोलते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. इसके वर्ड के हिसाब से ही हमें समझ में आना चाहिए. जब कोई बायोलॉजी में वर्ड पढ़ते हैं उस वर्ड का एक मीनिंग होता है. मैक्सिमम जो वर्ड आया है वो ग्रीक लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से होते हैं. अब प्रो कैरियोट, यू कैरियोट. बराबर. इसका डिफरेंस समझ में. अब न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस ये एग्जैक्ट क्या है वो किस तरह वो प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं तो उसका वेल नोन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो यहाँ पे हम प्लांट सेल भी देख सकते हैं. यूकैरियोट्स अगर देखना है तो प्लांट सेल भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब ये क्या है? ये बैक्टीरिया से. बराबर. यहां पे हम ये बैक्टीरिया से
इमेजिन करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एडवांस टाइप ऑफ दैट इज प्लांट सेल। प्लांट सेल कौन सी है, यू कैरियोट में आती है, और ये कौन सी है, ये प्रोकैरियोट्स में आती है। कौन सी सेल है, बैक्टीरिया, बराबर। ये बैक्टीरिया किसका नाम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, और ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट। अब इमेजिन करो न्यूक्लियस के बेसिस पे इसे डिवाइड, जहां पे न्यूक्लियस होगा वो एडवांस दैट इज यूकैरियोट, मतलब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बराबर। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट, अब यहां पे इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड बॉडी, मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल, यहां पे ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होता है। ये साइटोप्लाज्म, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड प्रेजेंट होगा, कहां पे, कहां पे, बैक्टीरिया सेल पे। और यहां पे क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल पैक होते इनसाइड द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्रोमोसोम पैक इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक होते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम फ्रीली सस्पेंडेड प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। ये बेसिक डिफरेंस। अब इमेजिन करो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल। अब हमें अगर अंडरस्टैंड करना है तो एक हम कहानी देखते हैं। किसी ने कोई अगर इंडस्ट्री शुरू की है, इंडस्ट्री मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री नहीं, एक फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट की। इमेजिन करो एक पर्सन है, उसके पास उसकी इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है मतलब इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग नहीं, लेकिन उसे एक फैक्ट्री शुरू करनी। अब ये कोविड 19 की वजह से हर जगह सैनिटाइजर मेकिंग की, मतलब सैनिटाइजर बनाने की एक फैक्ट्री अलग अलग जगह शुरू हुई। इमेजिन करो अगर यहाँ पे सैनिटाइजर, यहाँ पे ए पर्सन है, ए पर्सन है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उसने क्या किया, सैनिटाइजर जो सैनिटाइजर मार्केट में है वो सैनिटाइजर मेकिंग के लिए बनाने के लिए उसने एक छोटी इंडस्ट्री बनाई। अब छोटी इंडस्ट्री मतलब उसे इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, एक अपने घर में एक छोटे रूम में उसने क्या किया, ये अपना कंप्लीट सेटअप जो है, कंप्लीट सेटअप मतलब उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है अच्छी, इसी वजह से उसने क्या किया, एक छोटे रूम में क्या किया, उसने सैनिटाइजर बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट लगते हैं, जो भी केमिकल रखते हैं, जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट उसने क्या किया, परचेस, बराबर, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉपर वैसे नहीं। फिर एक छोटे कमरे में वो खुद क्या कर रहा था, वो ज्यादा वर्कर अफोर्ड नहीं कर पाता था, इसी वजह से एक दो वर्कर उसके साथ में थे, वो एक दो वर्कर के साथ अपने इसमें मतलब एक छोटे कमरे में उसने, इमेजिन करो ये जो है इसका एक कमरा होगा, उसी कमरे में, छोटे कमरे में या छोटे एक रूम में उसने क्या किया है, यहाँ पे खुद की एक चेयर लगा दी, बराबर। लेकिन हालांकि वहां पे बैठने के लिए भी समय नहीं मिलता हो, क्योंकि वो खुद कंट्रोल करता है वो सब एक्टिविटी जो है, क्योंकि उसके पास ये वर्कर है फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो वर्कर, इमेजिन एक ही कमरे में है, बराबर। और यहाँ पे वो खुद वर्क करता है, दैट इज द ए पर्सन, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, उसके पास जो वर्कर वो क्या कर रहा था, खुद वो जो भी सैनिटाइजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता था वो उसने परचेस किया, बराबर। परचेस करने के बाद बॉटल लगती थी अलग अलग साइज की अकॉर्डिंग टू ML, बराबर, मतलब वो अलग अलग साइज की बॉटल उसने परचेस की, लेकिन उसे पैकिंग करने के लिए और वो जो उसके ऊपर प्रिंट अटैच करते हैं, वो प्रिंट अटैच करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास नहीं था, था क्या, नहीं था। फिर उसने क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल है वो पैक करता था, पैक करने के बाद वो कहां पे भेजता था, पैकिंग यूनिट, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड उसे रहना, बराबर, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता था वो, मतलब वो पैकिंग यूनिट जो है वो पैकिंग यूनिट में भेजता था, उसके लिए जो पावर चाहिए था वो पावर दूसरी जगह से वो कलेक्ट करता था, मतलब पावर लाता था, पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई के लिए डिपेंडेंट था, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, क्यों, क्योंकि ये क्या है,
उसने जो स्टार्टअप किया ये स्टार्ट किया है प्रोसेस, इसी वजह से सब एक्टिविटी जो है ये फर्स्ट वर्कर करता था, कुछ एक्टिविटी ये सेकंड वर्कर करता था, बाद में ये जो है ए, मतलब खुद वो अपनी एक्टिविटी जो है वो अलग अलग प्रोसेस करने के लिए वो खुद भी इन्वॉल्व होता है, बराबर है। एक कमरे में है ये, बराबर एक कमरे में है, यहाँ पे चेयर भी रखी है लेकिन चेयर पे बैठने के लिए उसे समय भी नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ट उसने स्टार्टअप किया। अब यहाँ पे ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, इमेजिन करो जस्ट कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मतलब प्रोकैरियोट, कौन सी सेल है ये? प्रोकैरियोट। जब प्रोकैरियोटिक सेल जैसे फॉर्म हुई, बराबर है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल जैसे हुए, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म, जब ये प्रोकैरियोटिक सेल वाटर में मीडियम है तो उस सेल के अंदर काफी कंपोनेंट होंगे क्या? नहीं, काफी कंपोनेंट नहीं होंगे। जैसे ये कंडीशन है यहाँ पे, ए पर्सन जो है जिसे एक फैक्ट्री शुरू करनी है लेकिन उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, उसके पास पैकिंग यूनिट नहीं है, पैकिंग यूनिट मतलब जो बॉटल पैक करने के लिए उसे दूसरी जगह भेजना पड़ता था, उसके पास पावर सप्लाई नहीं, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है खुद डिपेंडेंट है क्या? वो नहीं है, मतलब वो दूसरी जगह से इलेक्ट्रिसिटी लाता था, जो रॉ मटेरियल है केमिकल्स है वो खुद बना नहीं पाता था, वो दूसरी जगह से लाता था और कुछ मिक्स करके ही, अल्कोहल के साथ कुछ मिक्स करके ही प्रिजर्वेटिव वहां पे वो सैनिटाइजर बनाता था। उसके पास दो वर्कर है, वो खुद इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब ये प्रिमिटिव कंडीशन है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो प्रिमिटिव सेल है उसके पास यहाँ पे एक अच्छी कैबिन है क्या? इंडस्ट्री जो शुरू करता है मैनेजर, अगर आपने देखा होगा तो वहां पे क्या होता है, एक अच्छी कैबिन होती है, उस कैबिन के अंदर वो बैठता है, वो सभी एक्टिविटी उस कैबिन के अंदर बैठ कर ही वो कर सकता है, मतलब हर जगह सीसीटीवी वगैरह कैमरे होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव कंडीशन है, ये प्रिमिटिव मतलब जस्ट उसका स्टार्टअप है, इसी वजह से ये एक्टिविटी हो रही। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा है? यूकैरियोटिक सेल में मतलब ये जो है उसके पास कैबिन नहीं था, अच्छा कैबिन था क्या? वर्कर ज्यादा नहीं थे, अलग अलग पावर सप्लाई यूनिट नहीं था, देन पैकिंग, पैकिंग के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए वो भी नहीं थी, वो दूसरी जगह भेजता था, मतलब वो डिपेंड था कंप्लीट, और यहाँ पे काफी कम स्पेस, बराबर है। ये प्रिमिटिव कंडीशन, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वैसे ही अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ चेंजेस हुए और वहां पे उसके बाद धीरे धीरे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया। अब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चेंज होगी, यहाँ पे देखो इनका सैनिटाइजर मार्केट में फेमस हो, इमेजिन करो मार्केट में इनका सैनिटाइजर जो है वो फेमस हो गया, मतलब उसके जितने भी बॉटल से उसने जिसके भी मतलब जितने भी क्वांटिटी उसने बनाई है वो सब परचेस हो गए, उसकी डिमांड बढ़ गई। इमेजिन करो जैसे उसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई? इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गई। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इंप्रूव हो गई वैसे वहां पे क्या किया उसने, जो पहले एक छोटे कमरे में उसने कंप्लीट सेटअप बिठाया था, वहां पे क्या हुआ, उसने एक बड़ी फैक्ट्री बनाई, बराबर एक इंडस्ट्री लाइक यहाँ पे फैक्ट्री बनाई। क्यों? उसके अंदर यहाँ पे खुद का एक कैबिन उसने रखा, बराबर एक कैबिन उसने खुद के लिए कैबिन डिजाइन किया, कैबिन के अंदर एक पर्टिकुलर चेयर जिस चेयर से वो मूव होते जाएगा कहीं पे भी, मूवेबल चेयर वहां पे लगाए, उस टेबल के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा, मतलब हर जगह यहाँ पे उसने एक अलग अलग पैकिंग के लिए, मतलब अलग अलग इस इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्शन उसने रखा है, बराबर। अब वहां पे अलग अलग सेक्शन मतलब केमिकल वो खुद बनाता था अल्कोहल को मिक्स करके, बराबर है, मतलब पहले जो केमिकल बाहर से लाता था वो क्या कर रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होने के बाद एक अलग यूनिट केमिकल फॉर्मेशन के लिए था, देन उसके बाद नेक्स्ट जो पैकिंग के लिए दूसरी जगह भेज जाता था वो मटेरियल, वो पैकिंग यूनिट यहाँ पे उसने बनाया, पैकिंग यूनिट बनाया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब इमेजिन करो ये पावर सप्लाई के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड था, तो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए उसने इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया, बराबर। और यहाँ पे जो बॉटल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग यूज होते थे उसने क्या किया, वो बड़े बड़े जो बेल्ट आते थे, देखो कन्वेयर बेल्ट बोलेंगे उसे, जहां से वो कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, वो बॉटल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, वैसे यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट यूज किया उसने, मतलब
इमेजिन करो प्रिमिटिव कंडीशन कौन सी थी और एडवांस कंडीशन कौन सी है। वो एक जगह पे बैठकर क्या कर रहा था, सब यूनिट को कंट्रोल कर रहा था। कंट्रोल मतलब वहां पे सीसीटीवी कैमरा से उसने क्या किया, सभी यूनिट कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे या नहीं कर रहे, वो सब जगह कंट्रोल कर रहा है, बराबर है। अगर उसे कुछ लगता है तो वो वहां से उस पर्सन को डायरेक्टली क्या करेगा, वो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल करने के लिए बोलेगा, बराबर है। मतलब इमेजिन करो इसके एक कैबिन फॉर्म होगी, वो एक कैबिन में बैठकर सभी एक्टिविटी कंट्रोल करने लगे। मतलब यहाँ पे पहले कैबिन था क्या, नहीं बस एक स्मॉल चेयर, एक रूम के अंदर यहाँ पे सब सेटअप था, लेकिन यहाँ पे काफी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है, हर यूनिट उसने खुद के स्टार्ट किए यहाँ पे। अब इमेजिन करो यहाँ पे इसकी जो चेयर है इतनी मॉडिफाइड चेयर है वो, कि हर जगह वो जा पाता था, और इसके बाहर उसे अगर मिलना है किसी पर्सन को तो उसके कैबिन के आगे एक पर्सन वहां पे रहता है, उसकी परमिशन लेने के बाद ही वो अंदर बैठते। उसके लिए उसका टाइम जो है वो काफी मनी हो गया, मतलब टाइम काफी बिजी हो गया वो, बराबर। अब ये कहानी मैंने जो सुनाई है, इस कहानी से अगर ऑब्जर्व करते हैं आप तो देखो यहाँ पे ये पहले क्या यूनिट था, उसके पास कौन सा यूनिट था, मतलब इमेजिन करो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एडवांस टाइप ऑफ सेल और प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ये इमेजिन करना। ये प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटे कंपार्टमेंट में क्या था, सभी चीजें थी, बराबर। हमने जो बोला है न्यूक्लियस, अभी जो हमने बोला है न्यूक्लियस, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे ये डिवाइड, बराबर। प्रोकैरियोटिक में क्या आता था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये अगर बैक्टीरिया सेल है तो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जो कंट्रोलिंग यूनिट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, बराबर। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्रेन, ब्रेन की वजह से क्या करते हैं, हम सभी एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसके वजह से, ब्रेन की वजह से। वैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर, बराबर है, ह्यूमन बीइंग भी किससे फॉर्म होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला हमने, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला हमने, मतलब वो बेस है। जैसे घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स, बराबर है, ईंट चाहिए, वो क्या है, बेस है। वैसे हमारी बॉडी फॉर्म करने के लिए सेल चाहिए, दैट इज द बेस, बेसिक, इस वजह से बोलते बेसिक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब वो स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता होगा और फंक्शन भी कंट्रोल करता होगा, इसी वजह से इसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे इमेजिन करो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस जो है, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है वहां पे, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, ये याद रखो, क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोइड, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, वो न्यूक्लियोइड वहां पे प्रेजेंट, बराबर। न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे देखो इसकी एक पर्टिकुलर, पहले जो कंडीशन देखा हमने वन ए पर्सन का, यहाँ पे एक स्मॉल चेयर वहां पे थी, बराबर, एक पर्टिकुलर कैबिन थी क्या, नहीं, एक कमरे में पर्टिकुलर कैबिन थी क्या, नहीं, यहाँ पे बस एक चेयर बैठने के लिए, बराबर। यहाँ पे भी वैसे, मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं, वहां पे एक मेम्ब्रेन नहीं होती है क्रोमोसोम के ऊपर, होती है क्या, नहीं। लेकिन ये सेकंड एग्जांपल देखो, जब मार्केट में उसने यहाँ पे सैनिटाइजर लॉन्च किया, तब वहां पे क्या हुआ, वो सैनिटाइजर चलने लगा और यहाँ पे उसकी इंडस्ट्री बढ़ने लगी, इकोनॉमिक कंडीशन। अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक कैबिन बनाई खुद के लिए, क्या बनाई, एक कैबिन बनाई, जिस कैबिन के अंदर सभी कंट्रोल सिस्टम जो है वो सभी कंट्रोल सिस्टम इस कैबिन के अंदर उसने सेटअप किया। अब इमेजिन करो यहाँ पे एक चेयर डिजाइन की उसने, मूवेबल चेयर, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे और हाईली इक्विप वो कैबिन है, उसे मिलने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, बराबर। उसके कैबिन के आगे, डोर के आगे एक पर्सन खड़ा रहता है और उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन पहले बॉस को क्या करना था, हमें फॉरवर्ड करना था, तभी वो मिलता था, बराबर। अदरवाइज उसके पास समय नहीं रहता था। वो सेकेंड सिचुएशन देखो यहाँ,
एक कमरे में यहाँ पे वो चेयर डाल के बैठता था, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है क्या ये? नहीं, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो क्रोमोसोम फ्रीली सस्पेंडेड है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म, इसी वजह से। देन सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है, ये अगर प्लांट सेल है, इमेजिन करो ये प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल के अंदर एडवांस टाइप ऑफ सेल है, बराबर। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, ये अगर क्रोमोसोम है, ये फ्रीली सस्पेंडेड है क्या? नहीं है, फ्रीली सस्पेंडेड नहीं है। इसके ऊपर क्या है? एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन वहां पे, बराबर। क्या है यहाँ पे? एक मेम्ब्रेन, बराबर। क्रोमोसोम किसके अंदर है? मेम्ब्रेन के अंदर। दैट्स व्हाई इज नोन एज न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो सेकंड सिचुएशन में जो भी मैनेजर है, जो भी बॉस है, वो कहाँ पे बैठता है? एक कैबिन के अंदर, बराबर है। एक कैबिन है, उस कैबिन में वो बैठता है, और हाईली मॉडिफाइड उसकी चेयर है, जहां पे भी मूव होना है उसे, वो वहां से इजीली उस चेयर के हेल्प से मूव होता है, बराबर। मतलब सिचुएशन समझ लो, प्रिमिटिव कंडीशन कौन सी थी उस पर्सन के लिए, और उसके बाद जैसे वो सैनिटाइजर चलने लगा, उसकी कंडीशन कौन सी थी? वो इंप्रूव होगी अपने आप, बराबर। मतलब ये एडवांस है, बराबर। सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, लेकिन प्रिमिटिव कंडीशन में टेक्नोलॉजी है क्या? उसके पास वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए उसे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। अब लेकिन ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, बराबर। मतलब इसके अंदर सभी कंपोनेंट है जो हमें चाहिए, वो सब कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं है, बराबर। दैट इज द प्रिमिटिव। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रिमिटिव कंडीशन, जो भी अकॉर्ड, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, इसी वजह से। मतलब वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी थी पहले, उसके हिसाब से सेल में चेंजेस हुए, लेकिन एडवांस क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, तो यहाँ पे एक हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्री उसने बनाई है। मतलब दिस इज ओवर अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे हमारी आइडिया क्लियर होती है, व्हाई दैट सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाई दैट सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्यों बोलते हैं, मतलब ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होगा हम देखेंगे डिटेल, दोनों सेल का स्ट्रक्चर हम डिटेल देखने वाले हैं, बस बेसिक डिफरेंस समझ लो कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है और यूकैरियोटिक सेल में क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होंगे, जैसे हमने देखा इंडस्ट्री में, बराबर। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ कम कंपोनेंट वहां पे होंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। देन यहाँ पे बिफोर गोइंग टू स्टडी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वी विल डिस्कस टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है कौन सा? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सेल, बराबर। ये बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल के ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म, उसके फॉर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया सेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अलग अलग फॉर्म, शेप के बेसिस पे उसके अलग अलग फॉर्म वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप और फॉर्म। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के बेसिक जो टाइप्स है, यहाँ पे कोकस, कोकस या कोकाय, कोकाय मतलब प्लूरल और कोकस मतलब सिंगल। यहाँ पे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फर्स्ट हम देखेंगे अलग अलग फॉर्म में बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ये देखो कोकस, ये सिंगुलर, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में उसे डिवाइड किया। अब फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप है, कोका है मतलब सिंगुलर, यहाँ पे क्या होगा? कोकस, और प्लूरल मतलब कोका। ये अगर कोई स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो उसे बोलेंगे हम, दैट स्फेरिकल बैक्टीरिया इज नोन एज कोकस। क्या बोलेंगे इसे हम? कोकस, दैट इज द कोकस, कोकस बोलेंगे उसे, बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट,
और प्लूरल यहां पे क्या बोलेंगे हम, कोकाय। क्या बोलेंगे उसे हम, कोकाय। मतलब प्लूरल क्या बोलेंगे हम, सॉरी हाँ, कोकाय। प्लूरल क्या बोलेंगे हम, कोकाय। बराबर। अब यहां पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये सिंगल किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, स्फेरिकल शेप जो बैक्टीरिया होगा उसे बोलेंगे हम कोकाय। ये देन उसके बाद इमेजिन करो एक बैक्टीरिया सेल अगर दूसरे बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच है, लाइक दैट। ये फर्स्ट बैक्टीरिया सेल है, उसके बाद सेकंड बैक्टीरिया सेल उसके साथ अटैच है और वो स्फेरिकल है, तो क्या बोलेंगे हम, डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे, डिप्लो। तीन अगर अटैच है तो, तीन अगर अटैच है तो ट्रिप्लो, और यहां पे ज्यादा अगर अटैच है तो, ज्यादा अगर अटैच है तो स्ट्रिप्टो। क्या बोलेंगे उसे हम, स्ट्रिप्टोकोकस। क्या बोलेंगे उसे हम, स्ट्रिप्टोकोकस उसे नाम देंगे। अगर बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अगर अटैच है चैन लाइक, मतलब यहाँ पे स्फेरिकल बैक्टीरिया है, उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिप्टोकोकस। बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे देखो, यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप है, ये बैक्टीरिया क्या है, ये रॉड शेप है, रॉड जैसे होता है ना, वैसे अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसे क्या बोलेंगे हम, बैसिलस। सिंगुलर क्या बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर बैसिलस। और यहाँ पे सॉरी प्लूरल जो है, यहाँ पे प्लूरल क्या बोलेंगे, बैसिलस। बराबर। सिंगुलर क्या बोलेंगे, बैसिलस। इसे क्या बोलेंगे हम, बैसिलस। इमेजिन करो यहाँ पे अगर दो रॉड से बैक्टीरिया अगर अटैच है तो डिप्लो बैसिलस। बराबर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग फॉर्म्स है, फर्स्ट कोकाय, सेकंड बैसिलस। कोकाय मतलब स्फेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड लाइक। देन उसके बाद नेक्स्ट वाइब्रियोज, विब्रियोज। विब्रियोज मतलब ये अगर देखते तो कॉमा शेप, जिस तरह कॉमा होता है उस तरह ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। बराबर। ये जो कॉमा होता है, बराबर, आप जब इंग्लिश में लिखते हो तो वहां पे कॉमा देते हो, वैसे उसका शेप होता है, दैट इज द कॉमा शेप बैक्टीरिया, इज नोन एज वाइब्रियोज। उसे क्या बोलेंगे हम, वाइब्रियोज। देन स्पाइरिला, स्पाइरिला मतलब स्पाइरल शेप अगर है, ये ट्विस्टेड, अगर ये ट्विस्टेड शेप है तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पाइरिलम। क्या बोलेंगे उसे हम, स्पाइरिलम और स्पाइरिला। ये देखो ये ट्विस्टेड है, वायर लाइक। बराबर। इसी वजह से इसे बोला है हमने स्पाइरिलम और स्पाइरिला। और यहाँ पे कॉमा शेप वाइब्रियो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट है, दैट इज द फर्स्ट स्फेरिकल है तो कोकस, देन रॉड शेप है तो बैसिलस, देन ट्विस्टेड अगर है तो उसे स्पाइरिलम, और अगर कॉमा शेप है तो उसे बोलेंगे हम वाइब्रियो। क्या बोलेंगे उसे हम, वाइब्रियो। देन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का एक और एक एग्जांपल है, दैट इज द नॉस्टॉक सेल। नॉस्टॉक जो होता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, दैट इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एक फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, दैट इज द बैक्टीरिया सेल, देन सेकेंड साइनोबैक्टीरिया, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। अब ये फॉर्म के बारे में हो गया, टाइप्स के बारे में हो गया बैक्टीरिया सेल के, अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब डिटेल देखेंगे हम, वन बाय वन स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल अगर इमेजिन करते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल वेल नोन एग्जांपल कौन सा, इसका एग्जांपल दैट इज द बैक्टीरिया सेल। कौन सी सेल है ये, बैक्टीरिया सेल, दैट इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ये जो बैक्टीरिया हमने देखा है वो प्रोकैरियोटिक सेल का वेल नोन एग्जांपल। अब बैक्टीरिया सेल अगर ऑब्जर्व करते हो, देन बैक्टीरिया सेल ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमने देखा है लास्ट टाइम। बराबर। माइक्रोस्कोपी टेक्निक किसने डेवलप की है, और हाईली मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है वो किसने डेवलप किया, हमने ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपी टेक्निक से अगर हमें बैक्टीरिया सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होगा, वेदर इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप
देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे मैग्निफिकेशन बढ़ता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो भी स्ट्रक्चर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्ट्रा। अल्ट्रा बोलते क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना बढ़ता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाईली मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप चाहिए, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 5 लाख टाइम उसका मैग्निफिकेशन क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई दैट माइक्रोस्कोप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया सेल ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे इस तरह का कंडीशन वहां पे दिखता है, ये बैक्टीरिया सेल कैप्सुलर फॉर्मेट में वो बैक्टीरिया सेल हमें ऑब्जर्व होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे बेसिक वे से ये अगर बैक्टीरिया सेल है, इमेजिन करो ये बैक्टीरिया सेल है, हमने बोला ये बैक्टीरिया सेल, आउटर लेयर जो होती बराबर सिक्वेंस हमें पढ़ना है बराबर, तो यहाँ पे आउटर लेयर ये बैक्टीरिया सेल इमेजिन करेंगे बस, ठीक है, दैट इज द बैक्टीरिया सेल, इसे ही बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे इसे हम, प्रोकैरियोटिक सेल, दैट बैक्टीरिया सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। अब इमेजिन करो ये बैक्टीरिया सेल हमने बोला बराबर, इस बैक्टीरिया सेल को हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे आउटर पार्ट हमें दिखता है बराबर, सबसे आउटर पार्ट जो होता है दैट पार्ट इज नोन एज सेल एनवेलप, मतलब फर्स्ट पार्ट अगर हमें एक्सप्लेन करना है दैट पार्ट इज नोन एज सेल एनवेलप, उस पार्ट को हम बोलेंगे सेल एनवेलप फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेल एनवेलप, क्या होगा सेल एनवेलप, आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल इज नोन एज सेल एनवेलप। उस सेल एनवेलप में और अलग अलग लेयर प्रेजेंट है, आउटर पार्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल इज नोन एज सेल एनवेलप, दैट सेल एनवेलप, उस सेल एनवेलप को अगर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे भी अलग अलग लेयर हमें दिखते हैं। फर्स्ट जो लेयर है दैट लेयर इज नोन एज, उस लेयर को बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलेंगे उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर ऑफ सेल एनवेलप इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, ये जो बैक्टीरिया सेल है इसके आउटर साइड पे एक लेयर होती है दैट लेयर, उसे क्या बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, इस लेयर को क्या बोलेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अब ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, इट इज आउटर लेयर ऑफ सेल एनवेलप, सेल एनवेलप की आउटर लेयर बराबर, सेल एनवेलप के बाहर मतलब सेल एनवेलप के ये आउटर पार्ट, आउटर लेयर कौन सी है, दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, दैट ग्लाइकोकैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे अगर देखते हैं तो केमिकल कंपाउंड जरूर होगा बराबर, ग्लाइकोकैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये जो आउटर लेयर है इसे बोलेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलेंगे उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स। अब यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स में केमिकल कंपाउंड कौन सा है, कौन सा केमिकल कंपाउंड होगा, दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, दीज मैक्रोमोलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन, मतलब यहाँ पे केमिकल कंपाउंड कौन सा होगा, दैट ग्लाइकोकैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन, क्या होगा यहाँ पे प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स वहां पे प्रेजेंट होगा, दैट इज द केमिकल कंपोनेंट सीसी बोलेंगे बराबर, विच इज मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, दैट मैक्रोमोलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन बराबर, ये उसका केमिकल कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट हुआ। देन उसके बाद
ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट आइदर स्लाइम लेयर और कैप्सुलर। अब इमेजिन करो किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स में आउटर जो लेयर होती है दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, वो स्लाइम लेयर होती नहीं तो स्लाइम लेयर मतलब एक लूज शीट वहां पे होता है, मतलब यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स एक होगा स्लाइम लेयर, देन सेकंड यहां पे टफ हार्ड ये लूज शीट हो सकता है नहीं तो हार्ड टफ एक कवरिंग होती दैट इज द कैप्सूल। क्या बोलेंगे हम कैप्सुलर लेयर भी उसे कहते हैं, ये टफ है कैप्सूल कैसे है टफ और ये स्लाइम लेयर क्या है लूज शीट से फॉर्म हो, ये क्या होती है लूज शीट से फॉर्म होती है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन केमिकल कंपोनेंट, देन वेदर इट इज ग्लाइकोकैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ स्लाइम लेयर और कैप्सूल, स्लाइम लेयर होगा तो लूज शीट होगा मतलब जिलेटिनस सब्सटेंस मतलब क्या जैसे गम होता है, गम की बोतल अगर नीचे अगर करते हैं तो वहां से जितना भी गम बराबर सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट दिखता है ना, काफी ट्रांसपेरेंट नहीं लेकिन सेमी सॉलिड बराबर लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसी तरह ये स्लाइम लेयर होती है। और कैप्सूल लेयर मतलब हार्ड टफ लेयर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए। और स्लाइम लेयर है तो विच हेल्प फॉर द अटैचमेंट, ये जो स्लाइम लेयर है विच प्रोवाइड स्पेस फॉर द अटैचमेंट, मतलब बैक्टीरिया सेल को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर अटैच होना है तो कैसे अटैच होगी विद हेल्प ऑफ स्लाइम लेयर, ये स्लाइम लेयर से वो अटैच हो। देन उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है विच हेल्प फॉर द एडेशन प्रोसेस, एडेशन ऑफ बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे क्या होगा इसका फंक्शन क्या है विच हेल्प फॉर द एडेशन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अटैच होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा कौन दैट इज द स्लाइम लेयर विच प्रोवाइड स्पेस फॉर द अटैचमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम दैट इज द सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है व्हाट इज सेल, अब ये फर्स्ट लेयर सेल एनवेलप के बाद ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेकेंड लेयर कौन सी होगी दैट इज द सेल वॉल, कौन सी होगी सेल वॉल। नेक्स्ट टू दैट ये जो क्या ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बराबर, नेक्स्ट टू दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट लेयर जस्ट इनसाइड द ग्लाइकोकैलिक्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट लेयर दैट लेयर इज नोन एज सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है देखो ये जो हार्ड सरफेस है ये जो डार्क कलर का मैंने किया यहाँ पे दैट इज द सेल वॉल, इस पार्ट को बोलेंगे हम सेल वॉल, क्या बोलेंगे इसे हम सेल वॉल। अब ये सेल वॉल करती क्या किस कौन सा केमिकल कंपोनेंट उस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, अब एग्जैक्ट अगर फंक्शन देखेंगे इसका इसका अगर फंक्शन देखेंगे विच हेल्प फॉर द टू मेंटेन, ये क्या मेंटेन करेगी मेंटेन शेप एंड साइज, ये बैक्टीरिया सेल का शेप और साइज मेंटेन करती है विच ऑल्सो हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन, यहां पे क्या करेगी वो प्रोटेक्शन का काम, मतलब आउटर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है आउटर एनवायरनमेंट जो है उससे वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी दैट विच हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन, मतलब इसका फंक्शन क्या है मेंटेन शेप एंड विच शेप एंड साइज एंड विच ऑल्सो हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन, आउटर क्लाइमेटिक कंडीशन से उसे प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट उसका अगर केमिकल कंपाउंड अगर देखते हैं बेसिकली सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, यहाँ पे या अगर हम अलग अलग लेयर अलग अलग कंपाउंड सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बेसिकली बैक्टीरिया सेल के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन ये कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है दैट सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन, ये केमिकल दो केमिकल कंपाउंड वहां पे
प्रेजेंट होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दैट ग्लाइकोकैलिक, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, वो कौन से सेल वॉल है, किसके सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक है क्या यूकैरियोटिक है? मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया सेल है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन, ये दो केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर आर्चियो बैक्टीरिया है, इमेजिन करो आपकी किताब में मेंशन नहीं है, आर्चियो बैक्टीरिया मतलब एंशियंट बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, तो वहां पे सूडो पेप्टिडोग्लाइकन ये कंपाउंड वहां पे सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। कौन सा? सूडो पेप्टिडोग्लाइकन ये कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट होता है। अब एक साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया, क्रिस्टिन ग्रैम, कौन सा साइंटिस्ट है, क्रिस्टिन ग्रैम, इस साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया, उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टिन ग्रैम। यहाँ पे क्रिस्टिन ग्रैम ने क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टिन ग्रैम ने फर्स्ट टाइम ये जो सेल वॉल है एक केमिकल उसके ऊपर डाला, केमिकल कलर, कलर्ड केमिकल, कौन सा कलर था वहां पे, क्रिस्टल वॉयलेट कलर, कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट केमिकल, वो केमिकल को बोलते हैं हम स्टेन, क्या बोलेंगे हम स्टेन। अब स्टेन क्या है, कोई व्हाइट अगर शर्ट है उसे कलर करना है, बराबर है, कलर करना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर वहां पे इंसर्ट करेंगे, दैट इज द स्टेनिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्टेनिंग प्रोसेस, बराबर। तो यहाँ पे क्रिस्टिन ग्राम ने फर्स्ट टाइम ये जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के ऊपर एक केमिकल वहां पे इंसर्ट किया, दैट इज द क्रिस्टल वॉयलेट, मतलब ये अल्कलाइन केमिकल है, कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट, ये कलर, कलर नहीं बोलेंगे उसे, स्टेन बोलेंगे साइंटिफिक वे से, उसे स्टेन, बराबर है, स्टेनिंग बॉटल में वो स्टेन लिया और क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो है क्रिस्टिन ग्राम ने उस बैक्टीरिया सेल के ऊपर डाल, जैसे डाला उसे एक ऑब्जर्व मतलब एक कंक्लूजन निकला, वहां कुछ सेल वहां पे क्या होती थी, कलरफुल होती थी, मतलब स्टेन होती थी, आउटर सेल वॉल जो है अगर वो वॉयलेट कलर का स्टेन अगर वहां पे इंसर्ट करता है क्रिस्टल वॉयलेट, तो ये कुछ सेल जो है कुछ बैक्टीरिया सेल वो स्टेन को एक्सेप्ट करती थी और कलर चेंज करती थी, सेल वॉल, बेसिक कौन सा पार्ट, सेल वॉल, बाकी पार्ट नहीं, सेल वॉल कलर हो जाती, बराबर। जो बैक्टीरिया वो से वो स्टेन एक्सेप्ट करता था उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे हम, ग्राम पॉजिटिव, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे हम, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किसने ये एक्सप्लेन किया, किसकी मेथड थी, है क्रिस्टिन ग्राम, बराबर, इस साइंटिस्ट ने क्रिस्टल वॉयलेट दैट इज द नेचर ऑफ दैट इज अल्कलाइन इन नेचर, वो जब उस सेल के ऊपर वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन इंसर्ट किया उसने, तब वो कुछ बैक्टीरिया कलर चेंज कर देते, मतलब सेल वॉल क्या करती थी, उसे एक्सेप्ट कर देती, दैट इज द अकॉर्डिंग टू कलर, बराबर, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, अगर वो पॉजिटिव अगर होता था मतलब वॉयलेट कलर का अगर होता था, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया वो स्टेन एक्सेप्ट नहीं करता था उस बैक्टीरिया को बोलेंगे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टिन ग्राम ने जो कलर यहाँ पे स्टेन जो है बराबर है वो डालने के बाद अगर सेल वॉल, कौन सा पार्ट सेल, कौन सा पार्ट स्टेन होता था, दैट इज द सेल वॉल, कौन सा पार्ट, सेल वॉल ही स्टेन होता था, दूसरा पार्ट नहीं, इमेजिन करो सेल वॉल ही क्या होगा वहां पे, स्टेन होगा, दूसरा पार्ट वहां पे स्टेन नहीं होता था, तो अगर यहाँ पे ये स्टेन नहीं हुआ तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, ग्राम निगेटिव। इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टिन ग्राम, बैक्टीरिया को दो पार्ट में हम सेपरेट कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस, क्या स्टेन होगा वहां पे, सेल वॉल स्टेन होने के प्रोसेस के बेसिस पे वहां पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वहां पे एक्सप्लेन किया। दिस इज ओवर अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, हमने दो ही पार्ट देखा है, सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक फर्स्ट और सेकंड सेल वॉल, ये दोनों पार्ट हमने देखा है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट जो है मतलब थर्ड लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट लेयर इज नोन एज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी लेयर होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो इसके अंदर एक और लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टू दैट सेल वॉल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी उसे हम कहते हैं। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नेक्स्ट टू दैट, यहाँ पे थर्ड पार्ट कौन सा है? सी पार्ट होगा यहाँ पे प्लाज्मा। अब यहाँ पे नहीं आएगा वो, तो हम ऊपर लिख देते हैं ये सी पार्ट ऑफ सेल एनवलप, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सी पार्ट मतलब थर्ड लेयर है जो है सेल एनवलप की, कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? दैट लेयर इज नेक्स्ट टू दैट सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कौन सी लेयर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ, क्या होता है वहां पे? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे? फॉस्फोलिपिड, ये देखो फॉस्फोलिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर ये प्रेजेंट होती है। मतलब फॉस्फेट और लिपिड दो लेयर होती है। देन उसके बाद बेसिकली कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो तो वहां पे कौन से कंपाउंड होते हैं? एक फर्स्ट लिपिड होगा, देन सेकेंड दैट इज द प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों लेयर प्रेजेंट होती है। मतलब ये दोनों केमिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका अगर नेचर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सेमी और सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सेमी परमिएबल, मतलब ये कोई भी चीज को अंदर आए नहीं देगी। मतलब यहाँ पे सेमी परमिएबल मतलब हाफ, पार्शियल, विच अलाउ सर्टन सोल्यूट कंपोनेंट फॉर द एंट्री ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। से सोल्यूट कंटेंट जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन, बराबर है? मतलब यहाँ पे विच अलाउ ओनली सर्टन सब्सटेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कुछ सर्टन सब्सटेंस ही है जो एक्सेप्ट करती है, इसका नेचर है प्लाज्मा। और यहाँ पे क्या होता है सेल वॉल का? सेल वॉल का नेचर अगर देखते हैं तो वहां पे विच अलाउ एनी सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, वो किसी को भी एक्सेप्ट करती है, परमिएबल है और ये सेमी परमिएबल इन नेचर है। लेकिन यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल क्या करती है? विच हेल्प फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए क्या करती है? हेल्प करते है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। मतलब अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या करती है? ये आउटर सेल एनवलप के पार्ट है, बराबर है? ये क्या करेगा? ग्लाइकोकैलिक प्रोटेक्शन का काम, अटैचमेंट के लिए हेल्प करेगा, बराबर है? सेल वॉल क्या करेगी? शेप मेंटेन करेगी और प्रोटेक्शन करेगी। विच द नेचर ऑफ दैट सेल वॉल इज परमिएबल। परमिएबल मतलब कोई चीज अगर अंदर आनी है या अंदर से बाहर जानी है, इट एक्ट एज ए डोर, बराबर है? जो डोर होते हैं वैसे वो बिहेव करती है, मतलब सब्सटेंस को अंदर आने देती है और अंदर से सब्सटेंस को बाहर लेकर जाती है। मतलब ये इसका नेचर क्या है? परमिएबल। द नेचर ऑफ सेल वॉल इज परमिएबल, बट द नेचर ऑफ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सेमी परमिएबल। ये क्या है? सेमी परमिएबल। सेमी परमी, सेमी मतलब हाफ और सिलेक्टिवली परमिएबल। सर्टन कंपोनेंट ही वो अंदर आए देती है और अंदर से बाहर जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो वहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हम कंपोनेंट के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इमेजिन करो, ये देखो यहाँ पे सोल्यूशन, वॉट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? वॉट इज सोल्यूशन? आपको पता है ये सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वॉटर। इमेजिन करो शुगर, ये वॉटर लिया हमने, क्या लिया यहाँ पे? एक ग्लास में हमने वॉटर लिया, दैट इज द सॉल्वेंट, बराबर है? उस ग्लास के अंदर पानी हमने भर दिया, दैट इज द सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट। उसके बाद यहाँ पे शुगर इंसर्ट किया, शुगर मतलब सोल्यूट, बराबर? शुगर क्या होगी? उस वाटर के अंदर मिक्स होगी,
बराबर है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। बराबर है। अब यहाँ पे जो सेल होती है या मतलब सॉल्यूशन में दो कंपाउंड होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। बराबर है, दो कंपाउंड वहां पे होंगे। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल, सेल वॉल क्या करेगी, सोल्यूट को भी अंदर आने देगी और सॉल्वेंट को भी, सबको वो अंदर आने की परमिशन देगी। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, सिलेक्टेड पार्टिकल, सॉल्वेंट तो अंदर आएगा लिक्विड फॉर्म में, बराबर, लेकिन उस सॉल्यूट के अंदर जो सिलेक्टेड पार्टिकल है उसे ही अंदर आने की परमिशन देगी, अलाउ करेगी। दैट इज द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज ओवर अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल का ये फर्स्ट पार्ट है। हमने कौन सा पार्ट देखा है, सेल एनवेलप। नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।